आज हम पढ़ेंगे नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है उसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की। इससे पहले जो हमने बैकग्राउंड में इसका देखते हैं, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास एक हमने जो पोटेंशियल वेल लिया या पोटेंशियल बॉक्स लिया था, जिसमें हम कहते थे कि हमारे पास एक बॉक्स में हमारे पास कितनी अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके वेव वेक्टर हमने देखे थे, वेव फंक्शन देखे थे जिनमें के की वैल्यू थी हमारे पास ये। और फिर हमने देखा कि हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था वहाँ पे हमने कहीं पे भी एनर्जी बैंड्स की बात नहीं की थी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड्स की बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास ये जो है अलाउड एरिया होगा और यहाँ जितनी मर्जी स्टेट्स हो सके, ठीक है, वैल्यूज हो सके, हमने कोई बैंड की बात यहाँ पे नहीं की थी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसकी क्या जो है सक्सेस थी और क्या उसके फेलियर थे, जिसकी वजह से हमें नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखना पड़ा। तो सक्सेस हमारे पास बहुत सारी थी, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत सारी स्टडी की, जिनमें से हमारे पास हीट कैपेसिटी थी, थर्मल कंडक्टिविटी थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ये सारी चीजें हमने बड़े आराम से इसमें स्टडी कर ली, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को लेके चले, और हमने ये सारी चीजें जो है वो देखने की कैसे हमारे पास मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, कैसे वेरी कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सब कुछ, ठीक है। फिर हमने देखा हमारे पास जो फेलियर थी, हमारे पास फेलियर था कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उनमें हमने देखा कि सबसे जो अहम चीजें थी, दो मेन पॉइंट थे उसके जिनको वो सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसमें से एक तो ये था कि वो कोई बैंड गैप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना हमारे पास बैंड गैप का कॉन्सेप्ट था, ना बैंड्स का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली जो है वो मेटल्स, सेमी मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सारी चीजों में जो है हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है, मतलब इन सारे इन सब में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है, ठीक है, इन सारी चीजों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ड्रॉबैक था वो हॉल इफेक्ट में हमने देखा, हॉल कोफिशिएंट में, कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही थी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम, हम फ्री इलेक्ट्रॉन थेरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखा। तो बारी बारी हम फेलियर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस अगेन कर लेते हैं। एक तो ये कि जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स, अकरेंस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट, रिलेशनशिप ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फ्री एटम। क्योंकि बैंड गैप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो ये चीज नहीं बता रही थी कि कुछ हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या डिफरेंस है। मैनी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, पार्टिकुलरली मैग्नेटो ट्रांसपोर्ट, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं बता पा रही थी कि कुछ हमारे पास जो है मेटल वो ज्यादा अच्छे गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, कुछ जो है वो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं। और इट ऑल्सो कुड नॉट अकाउंट फॉर द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर द लेटर टाइप ऑफ मटीरियल्स, यानी हमने कुछ मटीरियल बाद में स्टडी किए तो उसमें रेजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अगर हम यूज करें तो। और सेमी और फर्दर मोर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टर कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द दिस थ्योरी, और सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया क्योंकि बैंड गैप का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अच्छा, इसमें अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बैंड गैप का कोई डिस्कशन नहीं था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। दूसरा, हम देखते हैं अभी मेन रीजन था क्या जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो फेल थी। द फेलियर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज ड्यू टू द अवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन दैट द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एक्सपीरियंस ए कॉन्स्टेंट और जीरो पोटेंशियल ड्यू टू द आयन कोर एंड हेंस इज फ्री टू मूव अबाउट इन ए क्रिस्टल, द मोशन बींग रिस्ट्रेंड ओनली बाय द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, इसमें क्या बात बताई है उन्होंने कि आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसमें हमने क्या किया, हमने ये कॉन्सेप्ट हम लाए ही नहीं थे कि हमारे पास आयन्स की वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं उनकी वजह से हमारे पास कोई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन पे। हमने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था। जैसे इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो एक तो ये कि मैंने जब बॉक्स यहाँ पे आपको कंसिडर किया था, मैं आपको बताया था कि आप इनसाइड जो बॉक्स लेते हैं हम पोटेंशियल कांस्टेंट लेते हैं या हम जीरो लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये पोटेंशियल हमने कैसे कांस्टेंट लिया था, जैसे आप अगर इसको ड्रॉ करें, आप अपने मटीरियल के ये देखें आप करेंगे एटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, इनको मैं ड्रॉ करती हूँ और मैं यहाँ कहती थी कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे वो फ्रीली मूव कर रहा है और उसका इनकी इन
इन पॉजिटिव आयन की वजह से कोई असर नहीं है, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयन बने कैसे, ये पॉजिटिव आयन आपके पास कैसे बने, सिंपल अगर आप कोई भी मेटल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप कोई एटम ले लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर उसके आपके पास सराउंडिंग में उसके क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है। और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो लास्ट शेल होता है मेटल के केस में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है और वो क्या कर सकता है, अपनी जगह छोड़ के घूमता रहता है बीच में, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे लेट्स सपोज ये बाहर चला गया, तो पीछे इसमें क्या हो गई, वैकेंट स्पेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अब ये एटम नहीं रहेगा, हम इस जिसको हम पहले एटम कह रहे थे, अब वो एटम नहीं हो गया, वो हमारे पास क्या हो गया, आयन हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, आयन हो गया, और ये वही वाले आयन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये निकल के गया, हमने कहा कि हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसमें हम ये स्टडी कर रहे थे कि इन आयन्स का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा, इन आयन्स की वजह से इस पे पोटेंशियल हम इस पे कंसीडर नहीं कर रहे थे, और हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, और फिर हमने सारी चीजें स्टडी की, ठीक है। तो हमने इस पोटेंशियल को निग्लेक्ट किया था, जो एक्चुअली हमारे पास रीजन बना है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो इसीलिए क्योंकि हमें इस पोटेंशियल को भी कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है, जो पॉजिटिव आयन की वजह से होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो सीधी नहीं होगी, बल्कि इन पॉजिटिव आयन की वजह से कुछ परटर्ब मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की, इसको कंसीडर करना चाहिए था हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, लेकिन नहीं किया, और यही पोटेंशियल जो है हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर करेंगे, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। ये इन्होंने बात बताई है। अब इसको अगेन देखें, फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज ड्यू टू द आवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन दैट ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट और जीरो पोटेंशियल, वो जीरो पोटेंशियल उनको फील होता है ड्यू टू द आयन कोर, जो आयन कोर बन रही है, एंड हेंस इट इज फ्री टू मूव अबाउट इन ए क्रिस्टल, वो फ्रीली क्रिस्टल में मूव कर रहा है, ठीक है। और इन फैक्ट द पोटेंशियल ड्यू टू द आयन कोर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड मे चेंज विद पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, एंड सेम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल मे ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, दस द एक्चुअल नेचर ऑफ द पोटेंशियल अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द क्रिस्टल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें यही बात उन्होंने बताई आपके पास कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ आयन्स की बात की है, उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास जो आयन होते हैं इसमें भी क्या है, इनसाइड तो आप देखेंगे कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ ऊपर जो है वो गया, तो उसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको वो इलेक्ट्रॉन भी फेस करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आयन कोर्स भी फेस करनी पड़ेंगी, तो उसकी मोशन ऐसे फ्रीली नहीं होगी जैसे हमने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सपोज किया, ठीक है। इसका मतलब इस पोटेंशियल का कुछ असर होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो है हमारे पास वो ऐसे फ्रीली नहीं मूव कर सकता, एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स का होगा जो हमारे पास इन आयन्स के में बीच में अभी भी हैं, और दूसरा इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो हम जाते जा रहे हैं जैसे, नहीं वो आए, वो हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो वेरी भी करेगा, यानी वो पोटेंशियल इन इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे इन इन आयंस पे डिफरेंट होगा, और इनके बीच के पॉइंट्स में पोटेंशियल वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये हम देखेंगे वो कैसे डिफरेंट होगा आगे। चलें अब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देखते हैं, और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमने इसमें पोटेंशियल की टर्म को हम बीच में लाए थे, और वो पोटेंशियल हमने कैसे कंसीडर किया था, एक हमने वीक पोटेंशियल के तौर पे कंसीडर किया, लेकिन हमने उसको कंसीडर किया, इस बार हमने उसे जीरो नहीं किया, ठीक है। इन दिस मॉडल द क्रिस्टल पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी वेरी वीक एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एसेंशियली लाइक फ्री फ्री पार्टिकल्स। इसी इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है जो ये मूव कर रहा है इस पोटेंशियल की निस्बत जो इस पे ये आयन लगा रहा है, लेकिन ये वीक पोटेंशियल है, बट इसको हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कंसीडर किया। अच्छा, द वीक पीरियोडिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परटर्बिंग इफेक्ट, उसकी वजह से परटर्बिंग इफेक्ट आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड में, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे अपने इसमें, ब्रैग डायफ्रेक्शन एंड अदर बैंड गैप। We know that back reflection is the characteristic feature of wave propagation in a crystal. और back reflection को हमने देखने के लिए, इसके लिए जरूरी हम इसके पहले figure को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें figure में हमने क्या किया था, हमने last lecture में भी देखा था कि ये हमारे पास सारे reciprocal lattice जो है हम बनाएंगे यहाँ पे, ये सारे lattice point है इसके, ठीक है, और reciprocal lattice points है, और यहाँ पे हमने कोई भी हमने कहा कि ray applied जो आती है incident होगी हमारे पास, incident होके वो क्या करेगी, reflect करेगी, और उसको हम evolved shape कैसे बनाए कि हम उसको गोल में ऐसे घुमाएंगे कि इस पॉइंट पे एक दूसरा वेक्टर लास्ट में टच करे जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही हो, डायफ्रेक्शन हो रही हो,
ठीक है, और वो 1/λ की डिस्टेंस से होगा, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा और एक आपके पास ये, और इन दो लेटेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगी तो मेरे पास एक वेक्टर बनेगा, जी वेक्टर बनेगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी। यहाँ पे इसको आप करेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ये जी बन रहा होगा, ठीक है। ये के हमारे पास होगा, लेट्स सपोज ये के वेक्टर था इंसिडेंट वेव वेक्टर, और ये उसका जो है रिफ्लेक्टेड या डायफ्रेक्टेड वेव वेक्टर आ गया, और ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आ रहा है। अगर बीच में इसमें यहाँ काटती हूँ तो मेरे पास एंगल थीटा थीटा बन जाएगा एक जितना, या इसी को मैं अगर इवॉल्व स्फीयर के साथ इधर बनाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसे होगा, यानी ए डैश पॉइंट से मैं ओ डैश तक मेरे पास एक्चुअली कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ये के वेक्टर था हमारे पास, ठीक है। और फिर इसका हमारे पास जो है हमने इवॉल्व स्फीयर से हमने देखा कि इन पॉइंट पे उसकी क्या हुई है, रिफ्लेक्शन डायफ्रेक्शन हुई है, जो के प्राइम है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ दोनों अगर मैं मिलाऊंगी तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स मिलाने से रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बन जाएगा, जो जी होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये के प्राइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस जी, ये सिंपल वेक्टर एडिशन से, जैसे यहाँ पे आप एक टेल और हेड इसका हुआ, अगेन नेक्स्ट वेक्टर वेक्टर का यहाँ से टेल और हेड में मीट करा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहली वाली टेल और नेक्स्ट वाली की हेड के साथ मिलाएंगे तो के प्राइम होगा, जो के प्लस जी होगा, दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा होगा। ये आपका यहाँ से ही बन गया। अच्छा, ब्रैग रिफ्लेक्शन की हम क्या बात कर रहे थे, कि ब्रैग रिफ्लेक्शन एक्चुअली बैंड गैप का कॉन्सेप्ट लेगा, और वो हम कह रहे हैं कि ब्रैग रिफ्लेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेव प्रोपगेशन इन क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में वेव कैसे जा रही होती है वो हमें ब्रैग रिफ्लेक्शन से पता चलेगा, और ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज द काज ऑफ एनर्जी गैप, वही एनर्जी गैप हमारे पास बनाएंगे। दीज एनर्जी गैप्स आर ऑफ डिसिसिव सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग वेदर ए सॉलिड इज इंसुलेटर और कंडक्टर, ठीक है। और ये जो बैंड गैप आएंगे यही हम एक्चुअली बता रहे होंगे, इन्हीं को देख के हम बता सकते हैं कि अभी मटेरियल जो हमारे पास इंसुलेटर है या कंडक्टर है या क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये बैंड गैप होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने ये भी कंस्ट्रक्शन समझी। अगर हम इसका प्रूफ देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, के प्राइम के प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन है वेव वेक्टर की हमारे पास। और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ इसी वेव वेक्टर का, तो मेरे पास एक के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी और प्लस जी स्क्वायर बन जाएगा। और मुझे पता है कि मेरे पास ये दोनों वेव वेक्टर सेम लेंथ के हैं, ठीक है, के और के प्राइम जो है वो इक्वल है, तो मैं कह दूंगी कि मेरे पास के और के प्राइम इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी के स्क्वायर, ये दोनों एक साइड पे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन रही है ब्रैग लॉ की, और हमारे पास ब्रिलियन जोन की कंस्ट्रक्शन के लिए हम ये यूज करेंगे। वेक्टर ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी ये जो आपके पास थी ना ए डैश बी डैश, ये रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड वेव को बता रहा है आपके पास। और इसके बाद अगर मैं इसको क्या लिखती हूँ, के प्राइम और स्क्वायर, अगर मैं के प्राइम की कर रही हूँ तो के प्राइम स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्राइम माइनस के डेल्टा के इक्वल है या जी के इक्वल है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इस के प्राइम माइनस के ले जाती तो भी जी के इक्वल बन जाता है या डेल्टा के इक्वल होगा। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्कैटरिंग डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, यानी दोनों एक ही जैसे हैं, तो हमें बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज करेगा वेव वेक्टर का, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और कितना डिफर करेगा, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जितना, ठीक है। और फिर अगर हम क्या करते हैं, इसी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन बना देते हैं, जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कैसे बनाई थी, लेट्स सपोज मैंने इस तरफ को इसकी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की डायरेक्शन बनाई थी, इसके बजाय मैं इस तरफ को बनाती हूँ, तो फिर कैसे होगा मेरे पास सिचुएशन, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने के माइनस जी लिखना पड़ेगा, के माइनस जी होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, वैसे के प्राइम हमारे पास के प्लस जी होता है, लेकिन माइनस जी अगर डायरेक्शन रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की मैंने ऑपोजिट में बनाई तो मेरे पास के प्राइम किसके इक्वल बन जाएगा, के माइनस जी के, ठीक है। फिर इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो वो मेरे पास कुछ क्या बन जाएगा, वो इस तरह की फॉर्म बन जाएगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मैं प्लस और माइनस का सिर्फ फर्क है और बाकी आपके पास सेम यही बन रहा है, या अगर मैं जी को उधर ले जाती हूँ तो 2k डॉट जी बन जाएगा और जी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं दोनों जी को हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ जी रह जाएगा, या के जो हो जाएगा जी बाई 2 के इक्वल, ठीक है। और के प्राइम किसके इक्वल होता है, 2π/λ के इक्वल है, ये मैंने फिगर जहाँ बनाई वहां पे आपको दिखाया भी कि आपके पास ये देखें 1/λ और ये 2π/λ के डिस्टेंस पे हमारे पास होगा, ठीक है। और इससे आगे आप देखेंगे आपके पास ये बन गया है, ये जो भी मैंने आपको बताई ये आपके पास बन रहा है, एन पाई बाई ए के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लेटेस्ट कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर हमारे पास 2π/a के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2π/a के इक्वल होगा।
और अगर जनरल मैं इसकी टर्म लिखना चाहूंगी तो जी इज इक्वल टू एन बी के एक बार होगा, बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी और एन की वैल्यू हम डिफरेंट लेते जाएंगे, इंटीजर वैल्यू है ठीक है। वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास लेटेस्ट वेक्टर वे वेक्टर के है और रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो है हमारे पास जी है और वो सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी यानी एंगल उनके बीच जीरो बन रहा होगा, कॉस जीरो हमारे पास वन आ जाएगा और अगर मैं इसको काटूंगी तो मेरे पास जी की वैल्यू 10 - g/2 बन रही है ठीक है। ये कंडीशन थी बैक कंडीशन की और इससे मुझे फर्स्ट ब्रिलियन जोन का भी पता चल रहा है कि के स्पेस में हमारे पास -π/a से π/a फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर में, और इसी ब्रिलियन जोन वाली जगह पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी वो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी गैप बनेगा, फर्स्ट एनर्जी गैप बनेगा ठीक है। अदर एनर्जी गैप अगर होंगे यानी डिफरेंट एन की वैल्यू पे जो भी हमने ऊपर देखा ठीक है, अदर वो डिफरेंट वैल्यूज पे बनेंगे और मोस्ट वैल्यूज ऑफ द डिस्पर्शन कर्व जो है हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी ग्रुप वेलोसिटी जीरो नहीं होती डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा के, लेकिन जोन पे जोन बाउंड्रीज पे उनकी जो है ग्रुप वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वहां भी कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा के वहां पे जीरो होगी। और जोन बाउंड्रीज कौन सी होंगी, फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाली के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय ए, और अगर डिफरेंट जोन बाउंड्रीज की बात करें फर्स्ट के अलावा तो एन यूज करेंगे ठीक है, और वहां पे स्टैंडिंग वेव्स बन रही होंगी। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिन क्या है एनर्जी गैप का, तो ओरिजिन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप क्या है ठीक है।